चिल्लाने वाला एक सीन आता है, इतनी बुरी वाहियात घटिया एक्टिंग है कि भाई आपको सिनेमा शब्द को लेकर बुरा फील होने लगता है कि क्यों इस दिन के लिए ये चीजें बनी हुई थी। ये देखो भाई, कन्नड़ा इंडस्ट्री की बात कर लें या फिर पूरे साउथ सिनेमा की बात कर लें, तो वो लोग जाने जाते हैं अपने हम्बलनेस के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी मूवी बना लें, जब भी आप उनको देखोगे तो आपके मुंह से यही निकलेगा, डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम है गणपत। उस मूवी को देख के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन असली आतंक आना बाकी था। ये लोगों को पता नहीं था कि गणपत तो बस एक ट्रेलर है, अब असली मूवी जो मास्टरपीस, जिसकी तारीफ में हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी मूवी अभी आना बाकी था। बेसिकली वरुण धवन ने बोला था कि इंसेप्शन देखी है तुम लोगों ने, इंसेप्शन हाँ तो ये मूवी भी आपको पसंद आएगी, इसी मूवी के लिए बोला था वो। स्पेशल अबाउट द यू सीन इंसेप्शन, you understood it, yes, you liked it, yes, then you like Dilwale also. मतलब ढंग समझ नहीं आएगा कि पूरी मूवी में चल क्या रहा है भाई। सबसे पहले इस मूवी में इस हीरो का एंट्री देखो, वाह वाह क्या एक्टिंग किया, वाह वाह। और एक बात बताऊं, इसका डबल रोल है भाई इस मूवी में। इस एंट्री को देखने के बाद मेरा कुछ देखने का दिल नहीं कर रहा है, और इतना खतरनाक एंट्री भाई। रॉकी भाई, पुष्पा और बाकी जितने RRR, सभी के एंट्री सीन आप देख लो और इसको देख लो, तुलना ही नहीं है भाई, ये अलग ही लेवल का है। देखो ऐसी बात नहीं है कि बॉलीवुड वाले हंकते नहीं हैं, बॉलीवुड वाले बहुत ज़्यादा हंकते हैं मूवी में, लेकिन वो लोग उस टट्टी को खाते नहीं हैं। इस मूवी ने वही किया है। जब लोगों ने इस मूवी के बारे में अपना ओपिनियन शेयर किया तो लोगों ने उस वीडियो को टेक डाउन करा दिया। वो जो चिल्लाने वाला एक सीन आता है, इतनी बुरी वाहियात घटिया एक्टिंग है कि भाई आपको सिनेमा शब्द को लेकर बुरा फील होने लगता है कि क्यों इस दिन के लिए ये चीजें बनी हुई थी। ये बात यहाँ नहीं रुकी और कॉपीराइट स्ट्राइक देने लगे लोगों को। अच्छा बेटे तुम कर दो तो चमत्कार, हम कर दें तो बलात्कार। मतलब मूवी स्टार्ट होती है भाई, कराची में स्टार्ट होगी, उसके बाद मुंबई पहुंच जाएगी, वो उसके बाद पाकिस्तान के किसी और शहर, उसके बाद भारत के किसी और शहर। क्या चल रहा है भाई, ये रुक जाना भाई, बैठ जा, क्या करना चाहता है, बैठ जा एक बार। उसके बाद भाई साहब इतना ज़्यादा स्क्रीन ऑन ऑफ हो रहा है कि आते टाइम तुमको चश्मा ज़रूर लगेगा। एक्शन के नाम पे 3 घंटे हमारी ही मारी जाती है भाई। फ्यूचर में मेरे मेंटल हेल्थ के साथ अगर कुछ गलत होता है तो भाई साहब उसकी जिम्मेदार ये मूवी होगी। ये मूवी देखने के बाद मैं बच तो गया हूँ, लेकिन भाई साहब ऑब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर पा रहा।